विशाल कावड़ यात्रा हुई संपन्न। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। पुराणों के अनुसार इस यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान शिव का गला नीला हो गया था, साथ ही उनके शरीर में बुरा असर पड़ने लगा था, जिसे देखकर देवता चिंतित हो उठे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए चिंतित देवताओं ने पवित्र और शीतलता का प्रयार गंगा जल शिव के शरीर में चढ़ाया। गंगा जल से शिव जी का जल अभिषेक करने से कुछ ही समय में देवताओं की मेहनत रंग लाई और भोलेनाथ का शरीर सामान्य होने लगा। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर नीलकंठ महादेव में चढ़ाते हैं। ये यात्रा सदियों से चली आ रही है। वहीं नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील के विधायक संजय शर्मा और उनके सहयोगी अभिलाष मिश्रा, वीरेंद्र फौजदार, संदीप पटेल, हरिओम चौधरी, कमलेश पुजारी और सभी शिव भक्तों ने भी प्रति वर्ष की तरह कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में भोले के भक्त इकट्ठा हुए और बम बम भोले के नारों से सारा वातावरण को तरोताज़ा कर दिया। आपको बता दें, आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन भोले के दीवाने अपनी मस्ती में मग्न बम भोले के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। गाड़रवारा के डमरू घाटी मंदिर में सभी कांवड़ियों इकट्ठा हुए और भगवान शिव का अभिषेक कर जिले एवं प्रदेश की खुशहाली और किसानों की अच्छी फसल हो, ऐसी भाव भगवान से कामना की है। संवाददाता सुनील बैरागी की रिपोर्ट।